आज के इस वीडियो में बात करेंगे ब्रिंग और टेक वर्ड की हिंदी मीनिंग के बारे में और एक एक एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है। ब्रिंग और टेक वर्ड की जो हिंदी मीनिंग है उनमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि ब्रिंग का यूज़ कब करना है और टेक का यूज़ कब करना है, ठीक है। दोनों को अच्छे से समझेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ब्रिंग का मतलब होता है, हिंदी का मतलब होता है इसका लाना, ठीक। ब्रिंग का मतलब हो गया लाना, ठीक है। और टेक का हिंदी मतलब होता है ले जाना, ले जाना, ठीक है। ब्रिंग का मतलब हो गया लाना और टेक का मतलब हो गया ले जाना, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इनका यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, इसका भी समझेंगे। देखिए पहला एग्जांपल है ब्रिंग अ ब्रेड फ्रॉम द बाज़ार, ब्रिंग अ ब्रेड फ्रॉम द बाज़ार, ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद करें तो इसका हिंदी अनुवाद होता है बाज़ार से एक डबल रोटी ले आओ, एक डबल रोटी ले आओ, बाज़ार से एक डबल रोटी ले आओ, ठीक है। बाज़ार से एक डबल रोटी ले आओ, ठीक है। अब दूसरे का एग्जांपल टेक का समझते हैं। टेक योर ब्रेकफास्ट विद यू व्हेन यू गो टू स्कूल, ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद करें तो इसका मतलब हो जाएगा जब तुम स्कूल जाओ तो अपना नाश्ता साथ लेते जाओ, ठीक है। टेक योर ब्रेकफास्ट विद यू व्हेन यू गो टू स्कूल, जब तुम स्कूल जाओ तो अपना नाश्ता साथ लेते जाओ, ठीक है। जब तुम स्कूल जाओ, जब तुम स्कूल जाओ तो अपना नाश्ता साथ लेते जाओ, ठीक है। ब्रिंग का मतलब समझ में आ गया होगा, ब्रिंग का मतलब लाना होता है, ठीक है। एग्जांपल ले लिए ब्रिंग अ ब्रेड फ्रॉम द बाज़ार, बाज़ार से एक डबल रोटी ले आओ, ठीक है। टेक का मतलब होता है ले जाना, जैसे एग्जांपल से समझते हैं टेक योर ब्रेकफास्ट विद यू व्हेन यू गो टू स्कूल, जब तुम स्कूल जाओ तो अपना नाश्ता साथ लेते जाओ, ठीक है। ब्रिंग और टेक का हिंदी मतलब समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, और वीडियो भी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।